ni cosa. Ahí. सब स्वागत है आपका हसीन दिलरुबा यूनिवर्स में। ठीक है, एक तो ये फिल्म है, इसमें काफ़ी जो है हम लोग सब रोमांटिक रोमांटिक करते रहते हैं। ये रोमांटिक भी है और थोड़ी टेढ़ी रोमांटिक भी है। तो आप बताइए साहब जयप्रथ, क्या करना है इस बार, क्या क्या एक्सपेक्ट कर लें हम इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, टेढ़ी है, लेकिन असलियत ये है कि हम सब अंदर से थोड़े से टेढ़े हैं, और ये जो टेढ़ापन है ये इसमें पल्प की जान है, कि इट एक्सप्लोर्स द फैक्ट कि हम सब थोड़े से ट्विस्टेड है, हम सब हमके हमारे अंदर देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ द डेविल इनसाइड अस। सो ये जो पल्प है, ये जो हसीन की दुनिया है, ये उस डेविल को बुलाती है, उस डेविल को बेकन करती है। इस बार और रंगीन है, और बड़ी है, और धमाकेदार है। क्या सर, ऐसा आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपकी फिल्म है, आपके तत्वाधान तले सब चलता है ये सब, ठीक है, तो जब इस तरह की फिल्म का सीक्वल बनता है तो आप लोग क्या उसका ब्रीफिंग रहता है, ये ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे? माइक दे दीजिए। तो पहले तो जाकिर सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है, एक बढ़िया सी कहानी सुनानी है, उस दो घंटे का वर्थ देना है। ये भी बात सच है कि जब हसीन दिलरुबा आई, जब बन रही थी, तो उस वक्त मन में सीक्वल नहीं था, उस वक्त ये नहीं था कि एक और। पर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी आप आपके मन में सीक्वल आता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपके पास एक और कहानी है, वो इसलिए आता है कि शायद पहली कहानी के वो जो किरदार थे वो कहानी से थोड़े बड़े हो गए। जब किरदार कहानी से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप एक सीक्वल मांगती है, तो वही हमारे साथ हुआ हसीन दिलरुबा में, इसलिए आ रही है फिर हसीन दिलरुबा। वाह माशाल्लाह। विक्रांत आपका माइक पकड़ लीजिए हाथ से। लोग कहते हैं रात गई बात गई, आपका तो हाथ भी गया जी। तो अभी इस बार हम आपसे क्या उम्मीद रखें, कैसा है, क्या कहना चाह रहे हो आप इस बार? सर, जैसे आनंद जी ने और जयप्रीत जी ने बताया कि जितना प्यार मिला फिल्म को, ऑनेस्टली वो अनप्रीसीडेंटेड था। और क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे हम बहुत कुछ बता नहीं सकते फिल्म के बारे में, बट इतना ज़रूर बता सकते हैं, देर इज़ लॉट मोर टेंशन, देर इज़ लॉट मोर लव, बेइंतहा प्यार तो है ही रिशु और रानी का, और देर इज़ अ लॉट मोर मैडनेस, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इट्स बीन फिनोमिनल, जितना प्यार इस फिल्म को मिला है, लोगों ने दिया है, एंड उम्मीद है कि दोबारा उतना ही प्यार मिले। सॉरी, क्या लास्ट क्या बोला? उम्मीद है कि उतना ही प्यार दोबारा मिले। मैं उधर देखने लगा, इतने में लाइन खत्म कर। कोई बात नहीं। सनी भाई आप बताइए, ये लव ट्रायंगल में तुमको क्या पड़ी थी आने की? ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है इनका यूनिवर्स, उसके अंदर अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई, लास्ट टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है उनका यूनिवर्स, उसमें अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे गुड लुकिंग दोबारा सुनना था इसलिए। बट नहीं यार, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, क्योंकि मुझे भी, जैसे आनंद सर ने कहा, पहले ये फिल्म देखकर लगा नहीं था कि इसका क्या सीक्वल बनेगा, बट इतनी बढ़िया तरीके से कनिका जी ने लिखी है ये, एंड अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है वो, विक्रांत ने सही कहा, वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत ही भोला भाला सा इंसान है जो इनकी कहानी में फंस जाता है। दैट इज द triangle of love. Tapsi, this whole film revolves around you and you. ठीक है ना? तो हम पहली जो prequel, उसको अब तो बोलेंगे ना, sequel आ गई है तो, है ना? हाँ ठीक है। तो वन में साहब हमने जो रानी देखी थी, और टू में जो रानी है, उसमें कितना फर्क है? Actually है तो sequel,
तो कंटिन्यूएशन होता है एक तरीके से. बट मैं ये कहूँगी कि फिर आई हसीन दिलरुबा की रानी में थोड़ा ज़्यादा प्यार है, थोड़ा थोड़ी ज़्यादा हिम्मत है और थोड़ा ज़्यादा पागलपन है, क्योंकि जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं. क्या बात है वाह. जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं. ये लॉजिक लेके चलेंगे तो हो गया. फिर आप भी हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे अगर भाई दूरी रखो हम भले हमारे हाथ भले वरना विक्रांत जैसे. ठीक है कनिका आप बताइए साहब. सो मच प्रेशर, इतना जब प्यार मिलता है किसी चीज़ को, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना क्वर्क है उसमें. ठीक है तो हमको लगा था कि पहले सीजन में ही बहुत ज़्यादा हो गया था, पहली बार में ही बहुत ज़्यादा, तो फिर में क्या लेके आएंगे आप? देखिए जैसे कि ये सब लोग बता चुके हैं कि फिर में सब कुछ 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 ज़्यादा है, पर मैं आपको अपना रीज़न देती हूँ कि मैंने फिर आई हसीन दिलरुबा क्यों लिखी. मैंने बेसिक सी बात है इसी लिखी क्योंकि मुझे खुद से लिखते लिखते रिशु और रानी से प्यार हो गया था, और जब पिक्चर बन गई और रिलीज़ हो गई मेरा मन नहीं भरा. ऐसा लगा पिक्चर ख़त्म हो गई पर इन इन किरदारों से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो इनके प्यार में मैंने पार्ट टू लिखना शुरू कर दिया. एंड ऑनेस्टली विक्रांत एंड तापसी आई वॉन्ट टू टेल यू, जितना इन्होंने मुझ में ट्रस्ट डाला है, जितना इन्होंने यू नो देव गिवन मी द विंग्स टू फ्लाई, हसीन फिर आई हसीन दिलरुबा बिलोंग्स टू विक्रांत एंड तापसी एज माई रिशु एंड रानी. एंड नाउ कमिंग टू अनदर रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू राइट इट वॉज पंडित जी. घर में गेस्ट आते थे बोलते थे पंडित जी की किताबें कहाँ मिलेंगी, तो मैं हस्बैंड यूज्ड टू से तो मूछ लगा के इन्हीं से मिल लो क्योंकि यही हैं पंडित जी. तो पंडित जी को अभी बहुत कुछ कहना था, इसीलिए ये दुनिया मेरे से नहीं छूटी, मुझे इस दुनिया में वापस आना था, बहुत कुछ कहना था, मस्ती अनप्रडिक्टेबल जो कि सबने यहाँ बताया. एंड आई एम सो ग्लैड दैट हमारी हसीन दुनिया को और हसीन बनाने अब आए हैं सनी कौशल, वो मैडनेस का तड़का, वो भोलेपन का तड़का, सब कुछ बहुत कुछ लेके. एंड ऑल्सो ऑफकोर्स हमारी ओरिजिनल हसीन टीम, भूषण जी यहाँ पर हैं, आनंद जी यहाँ पर हैं, न्यू एंट्रेंट डायरेक्टर जयपत सरोज हियर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑन दिस राइड विद मी. एंड यस फिर आई हसीन दिलरुबा, रियली लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू आनंद सर, भूषण सर, आप लोग इस यूनिवर्स में बिलीव करते हैं और हमको ये कहानी देखने को मिलती है ना. आप इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ पे आप चूज़ करते हैं कि इसका सीजन टू बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, इसका पार्ट टू बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, लोग हैं या चल जाता है तो बनाना ही पड़ता है? नहीं देखिए, ये फिल्म जब आनंद सर बना रहे थे इनिशियली, जब पार्ट वन बन रही थी, तो जब पार्ट वन मैंने देखी थी तो उसी टाइम मैंने आनंद सर को बोला था इसका तो सीक्वल बनना चाहिए. जैसे आनंद सर ने बोला कि इनिशियली ये डिसाइडेड नहीं था कि हम सीक्वल बनाएंगे, लेकिन जब आप और एंड दिस इज़ अ एक्चुअल सीक्वल. नॉर्मली हम लोग फ्रेंचाइज को आगे लेके जाते हैं, फ्रेंचाइज बनाते हैं, नई कहानी होती है, एक्चुअल सीक्वल्स बहुत कम आती हैं. एंड जिस तरीके से कनिका ने इसको लिखा है और जिस तरीके से ये फिल्म निकल के आई है, आई थिंक दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगी. एंड सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने, सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. And I would like to congratulate all of you for having this. Please, aaiye center stage.